यूपी के जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर गांव में भारत गौतम ने बताया कि जमीन के विवाद को लेकर दबंग लोगों ने मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें मेरा हाथ भी टूट गया। प्रधान के शाहपुर उक्त लोगों ने मुझे मारा पीटा, जिसकी सूचना मैंने लिखित तौर पर थाना गौरा बादशाहपुर में दिया, जिसमें थाना गौरा बादशाहपुर ने सिर्फ FIR दर्ज करके अपना पल्ला झाड़ दिया, जबकि उक्त व्यक्ति का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल भी हुआ था, लेकिन मेडिकल कॉपी मांगे जाने पर उठाने पर मुझे यह बात बताया जाता है इतना जल्दी नहीं होता कुछ, जबकि मारपीट के घटना को 2 माह घटित हो चुके हैं। देखिए गौरा बादशाहपुर से मनोज विश्वकर्मा की यह रिपोर्ट। हाँ तो और नाम का आपका पूरा पूरा नाम बताओ आपका। गांव कौन सा है? गोपालपुर। क्या क्या मैटर है बताइए सर। मैटर यह है, खेत में मतलब जिलेदार के हमारे चकुट के आला तो हमारे मतारी से कहना जिलेदार भाई चाची हमें देगा खतवा हमें देगा, हम बोई जो तब जब तक तुहार पतो है ना बोझ जो तक हमें ओकरे बाद अपन जिलेदार बोझ जो तय लगना है। फिर हम लॉकडाउन में अली अपन नपोली नपवाई के अपन मेरा बांध दिली, जिलेदार की भी सोचना देली, जिलेदार मौके भी रहना नपत के समय में जिलेदार जवान अपन मान गए जब प्रधानी फिर जीत गए न जिलेदार तिवारा नपोना तिवारा नपवाए के गांव वाले ने बुला के इकट्ठा सफाई कर्मी वाला और सुभाष के सफाई कर्मी वाले के लड़का सुभाष और अनिल ये सब हमें मार के हाथ तोड़ देना थाने पे कौन सुनवाई वो अपना सर इंतजार दे आज न पता है जो इंतजार दे कहा न कि सुनवाई हो ही जाओ सुनवाई हो आज कितना दिन तक के बीच तले डेढ़ महीना हो ही जाता है। तो मारे वाला के हाथ सुभाष समान अनिल सुभाष का लड़का प्रधान वही खड़ा हुआ एक को बेरी बोला तना वो कहा था मारा बहुत सड़ी वाला के हमारे साथ सुनने दूजने और अब मौके पे के वही देख के आदमी धूर आखिम झोंक ले था कि जवाब देवे का हुआ ना होता प्रधान के खिलाफ सब प्रधान के पक्ष से हुए क्यों गवाह देवे का हकदार ना बना था वो ठीक। ये हम अपने लड़की के दूठे नाना लड़की है इन्होंने दवाई करी कि उन्होंने कागज करी है वो आदमी का हाथ टूटल बा ठीक। हम कैसे कैसे करत है हम जा रहा था ना कर जा रही नहीं कहीं।